हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं झारखंड का स्पेशल नाश्ता धुस्का। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी चना दाल, ये चावल 1 कटोरी, ये आप कोई भी सा चावल ले सकते हैं, और उड़द दाल आधा कटोरी। इसको हम अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसको पानी डाल के भीगने के लिए रख देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे। तो ये देखिए, ये अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसको एक दो बार और धो लेंगे अच्छे से। तो हमने इसको एक दो बार और साफ पानी से धो लिया है, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको एकदम चिकना पीसना है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको इतना ही चिकना पीसना है, और इसी तरह से हम पूरा पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसको लास्ट बार ग्राइंड कर रहे हैं, तो हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, जीरा और हरी मिर्ची डालकर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका बैटर अब बनकर बिल्कुल तैयार है। तेल गरम करने के लिए रख दिया था। हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें राई डाल देंगे, बारीक कटी हुई मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्च, प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। में टमाटर डाल देंगे, ये एक बड़े साइज का टमाटर है जिसको हमने काट लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। उबले हुए आलू हैं, इसको हमने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसको भी अब डाल देंगे हम इसमें, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये उबले हुए चने डाल देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे इसको। और अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और 1 गिलास पानी डाल देंगे। और अब इसका ढक्कन लगा के उबलने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, इससे इसका कलर अच्छा आता है और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो ये देखिए ये बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से डालकर बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही बनाते जाना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल कर सीख गया है। अब हम इसको पलट कर सेक लेंगे। तो देखिए इसको इसी तरह से पलट कर अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम फूला फूला। तो ये देखिए इसको इसी तरह से पलट कर अच्छे से सेक लेना है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे धुसके बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये धुसका का नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।